हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे थे एक छोटी सी राइड पे, तो इधर फ्यूल अप कराने के लिए रुके थे, तो सोचा व्लॉग कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ब्यूटी को, हमारा जेट 390 को। ये देखिए बाइक स्टार्ट कर दिए, ये न्यूट्रल हो गई। ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया में राइडिंग गियर्स नहीं पहनना प्रेफर करते, यूँ ही राइड करने लगते चप्पल पहन के या नाइट पैंट्स पर, टी शर्ट्स पर। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइडिंग गियर्स बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई पावरफुल बाइक चला रहे हो। तो नॉर्मल बाइक चला रहे हो तो भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट क्या पावरफुल बाइक का भी होगा और नॉर्मल बाइक का तो होना ही है। तो चलिए शुरू करते यार, उड़ रही है हवा में, हवा से बातें करने लगती है। जैसे आप ड्राइव करते हो 4000 RPM क्रॉस करते हो तो बाइक में गजब की पावर आ जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 1-on-1 है यार, टॉप परफॉर्मेंस है बाइक की। देख रहे हो स्टेबिलिटी भी देख लो। कई लोगों के बाइक में एक इशू आ रहा है, मैंने बहुत सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे कि ड्यूक 390 ऐसे वॉबल करने लगती है। पर अगर आपका टायर में एयर प्रेशर ठीक हो और आपका जो ये हैंडल का अलाइनमेंट है वो ठीक हो तो बाइक बिल्कुल भी वॉबल नहीं करेगी, क्योंकि बाइक एकदम परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है, नेकेड बाइक है। और देखा जाए तो हाई कंप्रेशन इंजन है। हाँ, वो पहले दूसरे तीसरे गियर में हो सकता है, क्योंकि बाइक पूरी उठ जाती है ना जब आप हाई RPM पर रेव करके गियर डालोगे, तो बाइक ऐसे लिफ्ट करने लगती है सामने से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बाइक्स के बारे में। बाइक्स यानी सिर्फ ड्यूक 390, निंजा ZX10R ऐसे नहीं, सब बाइक्स के बारे में, सब मशीन्स के बारे में जिनको हम प्यार करते हैं। आजकल देखा जाए तो बाइक्स की हाइप ज़्यादा बढ़ रही है, बट बाइक का क्या है ना, आप वैसे देखो तो हर पर्पज़ के लिए एक अलग बाइक बनी है। ऐसा कैसा है ना कि क्रूजिंग करने के लिए क्रूजर्स है, जैसे कि हमारी बुलेट हो गई, मेटियोर 350, इंटरसेप्टर, वो क्रूज़र कैटेगरी में आने वाली बाइक्स है जो कि आप अच्छे खासे टूरिंग के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आपको लोंडो में रोला जमाना है तो ज़रूर वो बाइक यूज़ कर सकते हो आप। वो ऐसा है कि क्लासी लगती है और एक अलग सा प्रीमियम लुक देती है वो बाइक्स। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नेकेड बाइक्स आती है, नेकेड बाइक्स यानी हमारी NS 200 हो गई, ड्यूक 390, ड्यूक 250, MT 15, वो नेकेड बाइक की कैटेगरी में आती है। तो वो बाइक किसके लिए बनी है, आप ऐसे फ्री राइडिंग कर सकते हो उससे स्टंटिंग कर सकते हो, टूरिंग भी कर सकते हो। तो वैसे देखा जाए तो ऑल पर्पज़ के लिए वो बाइक है, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक ही यूज़ करोगे उसका। और फिर देखा जाए तो स्पोर्ट बाइक्स, यानी ट्रैक बेस्ड बाइक होती है, जैसे कि RC 390 हो गई, RS 200 भी वैसे देखा जाए तो एक मिड रेंज बाइक है, जो कि ना ही प्रॉपर ट्रैक टूल है ना ही प्रॉपर वैसे देखा जाए तो टूरिंग बाइक है, वो ट्रैक टूल और टूरिंग बाइक का मिक्स है। RS यानी रेस स्पोर्ट, ऐसा ही नाम दिया है ना उन्होंने, इसलिए वो बाइक वैसी है। और उस बाइक में भी ना गजब का कंप्रेशन है भाई, 200 CC में ना बेस्ट में कहूँ तो वही है RS। R15 भी है बट RS एकदम बेस्ट बाइक है। और वैसे देखा जाए तो चलो अभी हम राइड पर ध्यान देते हैं। वैसे हम जा रहे हैं सतारा से लगभग 30 किलोमीटर एक सिटी है रहमतपुर करके, उधर हम जा रहे हैं। और मैं ज़्यादातर इवनिंग या मॉर्निंग में ही राइड करना पसंद करता हूँ या नाइट में, क्योंकि क्या होता है ना वो धूप वगैरह बहुत ज़्यादा हो तो राइड में वो मज़ा नहीं आता, ऐसा पसीना पसीना पूरा हो जाता है। राइड का मज़ा लेने से ज़्यादा आप पसीना पहुँचने में ही निकाल लेते हो वक्त आपका पूरा। राइड के लिए कैसा होना चाहिए, जैसे ठंडी हवा, मस्त रोड, ऐसा नहीं कि रोड में ढेरों गड्ढे हैं, वो नहीं, वो अलग कैटेगरी की राइड हो गई, वो ऑफ रोडिंग कह सकते हैं हम उसको। बट ऐसा राइड करना है तो ऐसे ही रोड होने चाहिए, रोड का पूरा मज़ा लेते हो। ये भाई ने इंडिकेटर देखकर अंदर ले ली उनकी कार, अक्सर टर्न लेते हो कि इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप भगा रहे हो 100 पे, आपके पीछे वाला भी भगा रहा है 100 पे, और अचानक से आपने मोड़ दी तो पीछे वाला आकर ठुक ही जाएगा आपकी गाड़ी में, आपका भी नुकसान होगा, कार वाला होगा तो उसका भी नुकसान, बाइक वाला होगा तो वैसे भी वो निपट ही जाएगा उधर। इसलिए अक्सर इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है, हर बार जब आप मोड़ ले रहे हो तो इंडिकेटर दो, रेयर मिरर में देखो
खैर हमारे बाइक को मिरर नहीं है, बट हम ऐसे पीछे मुड़ के देख सकते हैं, वैसा ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यूँ ही मोड़ देंगे। हमारे ड्यूक अभी तो हम क्रूजिंग ही कर रहे हैं ड्यूक पे, ऐसे कुछ भगा वगैरह नहीं है, नहीं रहे। 4,000 से 6,000 तक ये बाइक क्रूज ही करती है। हाँ, अगर आप एग्रेसिवली गियर शिफ्ट करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो अलग है, वो ट्रैक के लिए अलग है। यानी 4,000 RPM के बाद बाइक पावर देने लगती है। देखो छठे गियर पर है तो फिर भी आप रेस्ट दोगे तो बाइक उठेगी, ऐसा नहीं कैसे खड़खड़ करके बंद हो जाएगी। हाँ, इन केस हर बाइक ऐसे नहीं कि मेरी 390 है वो नहीं बंद पड़ रही। अगर आपकी 390 है और उसका क्लच सेटिंग ठीक नहीं है तो 100% बाइक बंद पड़नी ही है, ऐसा है बाइक। यह क्या होता है ना, सिंगल सिलेंडर बाइक हाई कंप्रेशन बाइक्स होती है, इनमें क्लच सेटिंग बहुत मायने रखती है, बहुत यानी बहुत। ऐसा क्लच है ना, ऐसे छोड़ते ही बाइक उठनी चाहिए। और इधर है ना क्लच में फोर प्ले होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये फोर प्ले। नहीं तो पूरा ऐसा टाइट होगा तो आपकी क्लच प्लेट खा जाएगी बाइक। बाइक को मेंटेन करना भी उतना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइक आप राइड कर रहे हो और हो गया, राइड से लाई घर पे रख दी, धोई नहीं ना, उसे चेन लूप कर रहे हो तो बाइक पूरा, बाइक की जो क्वालिटी है वो बाइक आपको वो मज़ा नहीं देगी, ऐसा है। बाइक को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बाइक यानी यार वो है ना, छपरी लोग जो होते हैं वो बाइक को मेंटेन नहीं करते, कहीं भी घुमाई भगाई लाकर पटक दी, ना ऑयल देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, ना उसे चेन लूप कर रहे हैं। हाँ, पर जो प्रो राइडर्स है, हमारे जो प्रो राइडर्स है, राइडर कम्युनिटी है हमारी, उसमें वैसे देखा जाए तो लोग वो मशीन से प्यार करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो मशीन इसलिए लेते हैं कि जस्ट शो अप करना है, इसे बाइक दिखानी है, उसे बाइक दिखानी है, इसे जलस फील कराना है या लड़कियों के पीछे भागना है, उसके लिए नहीं लेते। ये जो हमारे प्रो राइडर्स है या बाइक लवर्स है ना, उसके लिए बिल्कुल बाइक नहीं लेते। वो बाइक उस मशीन से प्यार करते हैं, उस इंजन से प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं उस फील से जो बाइक चलाने के बाद आ रहा है। वो एड्रेनलिन रश के पीछे भागने वाले जो हमारे राइडर्स है ना, वो प्रो राइडर्स है जो हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि यार रोड पर भाग रहे हो या सामने बंदा जा रहा है, ऐसा कट मार दिया, वैसा कट मार दिया, यार वो भी है ना, वो भी इंसान है, वो डर जाएगा। ऐसा हर किसी की इज्जत करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास एक मशीन है, पावरफुल मशीन है, तो आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, उससे कट मार रहे हो या रिस्क ले रहे हो। हाँ, खुद की जान की रिस्क लो, ऐसा नहीं कि ये पब्लिक रोड पर, जब हाँ रोड खाली है सब ठीक है। ऐसा है कि यार कम पॉपुलेशन वाली जगह एबेंडेंट रोड टाइप भी होते हैं कि रोड जहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होते, वहाँ आप भगा सकते हो। पर ऐसा नहीं कि पब्लिक रोड पर आप भगा रहे हो, वो बिल्कुल ही गलत है। आपके पास बाइक है तो आप उसका सही इस्तेमाल करो। वो क्या होता है ना, पावर इन रॉन्ग हैंड्स इज मोर डेंजरस दैन एनी वेपन, सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर मशीन। चलो मिलते हैं भाई लोग अगले व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। चलो रात भी होने लगी है, अब GoPro की भी ऐसी की तैसी हो ही जाएगी, इतना क्लियरिटी नहीं देता हमारा GoPro Hero 8 Black। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और रिकमेंड में बताइए कि आपके पास कौन सी बाइक है या आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।